प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में ट्रेनी आईएएस अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत तेजी से बदल रहा है। कभी अभिभावकों में चलने वाली व्यवस्था आज विपुलता की तरफ बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के बीती मध्य रात्रि के प्रभावी होने के बाद अस्तित्व में आए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे को पार्टी के विधायक दल की बैठक में नेता चुन लिया गया है। आदित्य ठाकरे ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिस पर विधायकों ने मुहर लगा दी। एकनाथ दोबारा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई स्थित कार्यालय के बाहर एक बड़ा बैनर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि महाराष्ट्र का इतिहास है कि वह कभी दिल्ली के तख्त के सामने झुका नहीं है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकार प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीरी मामले पर तल्खी को देखते हुए यूरोपीय संघ ने दोनों देशों से तनाव को कम करने और इस मामले में शांतिपूर्ण राजनीति समाधान के लिए द्विपक्षीय बातचीत शुरू करने को कहा है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में तकरार के बीच दोनों दलों के विधायकों ने अपना नेता चुन लिया है। बीजेपी ने जहां देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगाई, तो शिवसेना ने एकनाथ शिंदे पर सहमति जताई, जिसके बाद आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे, दिवाकर राउत और सुभाष देसाई समेत शिवसेना के अन्य वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की ओर से शिवसेना पर डोरे डालने की कोशिश लगातार जारी है। इलाज के लिए राहत की उम्मीद कर रहे पी चिदम्बरम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने एम्स से कहा कि चिदम्बरम को इलाज के लिए एक बोर्ड बनाए, जिसमें चिदम्बरम का इलाज कर रहे उनके फैमिली डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को शामिल करें। निर्भया कांड के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली सजाए मौत कभी भी अमल में लाई जा सकती है, अगर उन्हें 7 दिन के अंदर राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका दाखिल नहीं की। इस बाबत तिहाड़ जेल प्रशासन ने बकायदा चारों आरोपियों को लिखित में नोटिस थमाकर चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इजरायली स्पाईवेयर से जासूसी को लेकर कहा कि सरकार ने व्हाट्सएप से इस पर जवाब मांगा है। इस स्पाईवेयर की मदद से पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार व्हाट्सएप के जरिए नागरिकों की निजता के उल्लंघन को लेकर चिंतित है। आईसीजे कोर्ट से पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव मामले पर एक बड़ा झटका लगा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट जज अब्दुल कबी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में वियना संधि का उल्लंघन किया है। ये है डीआईडी में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए कल तक।